वंदे मातरम। आज हम दसवीं कक्षा के मधुर भाषण जो पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं आज उसको आगे बढ़ाएंगे और वही मधुर भाषण जो गुलाब राय जी ने लिखे हैं मधुर भाषण गुलाब राय आगे पढ़ेंगे। पिछले कक्षा में मधुर वचन अर्थात मधुर वचनों के साथ यह भी आवश्यक है कि उसके पीछे टकसाली भाव भी हो। टकसाली भाव अर्थात मधुर वचन के साथ टकसाली भाव भी होना चाहिए अर्थात टकसाली भाव सच्ची भावनाएं सच्ची भावनाएं अर्थात हम बोलने में कभी कमी नहीं होनी चाहिए। मधुर वचनों के साथ अर्थात जो बात हम बोलेंगे ही वही मीठी होनी चाहिए। पहले तो हम जान चुके हैं तो वही मीठी वाणी मधुर वचन के साथ वह भी आवश्यक है कि उनके पीछे टकसाली भाव भी अर्थात सच्ची भावनाएं अर्थात उनका कोई भी उद्देश्य जो हित के लिए हो अर्थात टकसाली भाव, नहीं तो क्या होगा, मुलमे के सिक्कों की भांति हुए बेकार रहेंगे। अर्थात उन्हीं भावों में जब टकसाली भाव अर्थात सच्ची भावना नहीं होगी तो क्या होगा, मुलमे के सिक्के मुलमे के सिक्के मुलमे के सिक्के की भांति अर्थात मुलमे के सिक्के नकली मुद्रा नकली मुद्रा अर्थात जिस बात में सच्ची भावना नहीं हो, जिस बातों में या बात में सच्ची भावना नहीं हो उसमें क्या है, वही भावनाएं नकली हो जाता है, नकली मुद्रा की तरह वही बात ही नहीं रहता, इसका कोई भी मूल्य या कोई भी इसका नतीजा नहीं निकलता, अच्छी नतीजा उसका मूल्य उसका कीमत
कि कुछ भी नहीं रहता। जैसे मुलामे के सिक्कों की भांति भांति तरह, अर्थात सिक्कों की तरह, मुलामे की सिक्कों की भांति ये पड़ा ही रहता है, अर्थात ये बात को कोई भी ध्यान नहीं रहता, उसका ही मूल्य कोई कुछ भी नहीं रहता। हृदय की मलिनता और मधुर वचनों का योग नहीं हो सकता है। देखो यहाँ दो रूप है, हृदय की मलिनता और सच्ची भावनाएं, क्या है हृदय की मलिनता और सच्ची भावनाएं या मधुर वचन, इसमें क्या है हृदय की मलिनता का मतलब ये जो बात निकलता ही है और उनमें जब मधुर वचन है और अंदर से या दिल पर दुख ही है, दिल में जब दुख है तो क्या होगा, दुख होते हुए कभी भी मधुर वचन अच्छी तरह नहीं निकलता, अर्थात ये क्या हो जाता है, दुख होते हुए कभी हम जो हंसते हैं, खुशी लेते हैं, मजाक करते हैं, वही मधुर नहीं आएगा। ये जैसे बनावटी के तौर पर हो जाता है, ये बनावटी हो गया जैसे, अर्थात हृदय की मलिनता के साथ मधुर वचन का कभी भी संयोग नहीं होता। तो मुलम्मे के सिक्कों की भांति हुए पड़ा रहता है, हृदय की मलिनता और मधुर वचनों का योग नहीं हो सकता। वचन के अनुकूल सब कर्म भी होते हैं, वचन के अनुकूल उपयुक्त जो होना चाहिए, वचनानुकूल अर्थात वचन अर्थात कथनी में जो, अर्थात जैसी कथनी है उसी तरह के कर्म भी होना चाहिए, करनी होना चाहिए। जैसे वचन के अनुकूल जब कर्म भी होते हैं तभी मनुष्य क्या होता है, बंध्य बनता है। मनुष्य बंध्य बनता है, बंध्य अर्थात वंदनीय। वंदना करने की योग्य अर्थात उसको प्रणाम करना, उसको सम्मान जताना का योग्य जैसे होता ही है। तो वचन के अनुकूल जब कर्म भी होते हैं तभी मनुष्य बंध्य बनता है, अर्थात वह वंदनीय होता है, अर्थात जैसी करनी वैसी बननी, अर्थात जैसे वचन बात उसी तरह की कर्म में कमी नहीं होनी चाहिए, अर्थात जैसी कथनी वैसी करनी भी होनी चाहिए। तो वचन के अनुकूल जब कर्म भी होते हैं अर्थात कथनी और करनी में, कथनी अर्थात बात में और करनी अर्थात काम में, बात कथा ये काम, अर्थात जैसे कहोगे उसी तरह के काम भी होने चाहिए, अर्थात उन्हीं में सामंजस्य समानता, नहीं तो क्या हो जाएगा, मलिनता के साथ मधुर का कोई भी संबंध नहीं होता, अर्थात जहाँ खुशी है खुशी से मधुरता का संपर्क है, जहाँ खुशी है खुशी से मधुरता का संपर्क है, परंतु मलिनता से वचनों का या मधुर वचन का कोई भी ऐसा सामंजस्य नहीं है। यद्यपि हम उनमें समानता या सामंजस्यता दिखाएंगे तब क्या हो जाएगा, ये बनावटी हो जाएगा, इसमें कोई ऐसा कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा।
मन वाणी और कर्म का सामंजस्य है मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाता है। मन वाणी और कर्म, पिछले कक्षा में मन वाणी और कर्म के बारे में भी मैं समझाया था। मन वाणी और कर्म, वाणी कथनी में, काम कर्म में, और मन जो होता है हृदय पर, मनसा वचसा और कर्मणा, मन में वाणी वचन में और कर्म जो काम करते हैं, ये तीनों में अर्थात मन खुशी, खुशी से मन की वाणी भी अच्छी निकलेगी और कर्म भी सही तरह से अच्छी उपयोग के साथ ही होगा। इसीलिए कहा गया है मन वाणी और कर्म का सामंजस्य, समानता होनी चाहिए, कर्म का सामंजस्य समानता होनी चाहिए, और इन्हीं समानताओं में मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाता है। इन्हीं में जो मनुष्य जो कुछ भी चाहेगा उसका रास्ता साफ हो जाएगा और मंजिल तक वह पहुंच पाएगा। अर्थात मन अच्छा है, वाणी भी अच्छी है और कर्म भी अच्छा, तीनों के साथ समान होते हुए वह मनुष्य मंजिल के साथ मंजिल तक पहुंच सकता है। और क्या कहते हैं लेखक, फिर भी वचनों का विशेष महत्व है। ये समानता है, फिर भी वचनों का विशेष महत्व है। अर्थात बात हर समय अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बाद में एक कटु वचन सारे किए धरे पर पानी फेर सकता है। ध्यान दो कि एक कटु वचन, जब वचन का विशेषता नहीं होता तो कभी भी दूसरे से असर नहीं होता, परंतु क्या है, एक कटु वचन, सारे किए धरे पर अर्थात जो कुछ भी काम होता ही है पूरी तौर पर सजगता के साथ जो काम समाप्ति की तौर पर चला जाता है, और कटु वचन बात ऐसे काम करते करते उसका नतीजा जैसे ही अच्छा निकला और क्या होगा अंत में कटुता के साथ, और कटु वचन जब मिल गया या कटु वचन से सारे किए घरे पर पानी फिर जाता है। पानी फिरना नुकसान, नष्ट, पानी फिर जाता है अर्थात पानी फिर सकता है अर्थात सब नष्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है। जितना भी काम, जितना भी परिश्रम किए हो, कोई भी नतीजे पर आने के बाद उनका समाप्ति के अनुसार अंत में उसका फल क्या होगा, उसका फल पानी फिर जाएगा, बेकार हो जाएगा। किसके सहारे? कटु वचन के सहारे। अर्थात हमें क्या बोलना चाहिए, हर समय मधुर वचन बोलना चाहिए। जैसे कथनी और करनी में सामंजस्यता है। आगे, यद्यपि यह ठीक है कि दुधारू गाय की दो लातें भी सहन की जाती है, यह ठीक है, दुधारू गाय ये ठीक है कि दुधारू गाय की दो लातें, दुधारू गाय की स्त्रीलिंग में दो लातें
दो बहुवचन में है लात बात ये सब स्त्रीलिंग में प्रयोग भी होता ही है। लात बहुवचन में है स्त्रीलिंग एक वचन, बात बातें, लात लातें और भी स्त्रीलिंग शब्द है जो रात रातें। तो यहाँ क्या है दुधारू गाय की स्त्रीलिंग की गाय स्त्रीलिंग है ये जानते हो, तो इन्हीं के अनुसार कारक का भी प्रयोग हुआ है का के की ये संबंध कारक छठी अर्थात षष्ठी व्यक्ति का चिन्ह है का के की। जैसे भी हो ये हुआ दुधारू गाय की, दुधारू गाय अर्थात दूध देने वाली गाय। क्या है कि गाय तो ही है फिर भी जो गाय ज़्यादा दूध देती है उसे दुधारू गाय कहते हैं। तो वो जब उनका गुण है सच्चे गुण है दूध देने वाली गाय है तो उनका उनके लातें दुधारू गाय की दो लातें, दो बहुवचन में है लात लातें रात रातें बात बातें, तो दो लातें क्या सहन की जाती है अर्थात जिसका गुण हो अर्थात दूध देने वाले जब गाय है उनके लातें सहन की जाती है परंतु क्या है फिर भी दूसरे के स्वाभिमान का हनन कर उसके साथ उपकार करना कोई महत्व नहीं रखता। स्वाभिमान अर्थात आचरण दूसरे की स्वाभिमान को देकर ये दूसरे के स्वाभिमान का हनन कर उसके साथ उपकार करना कोई महत्व नहीं रहता। स्वाभिमान को रखते हुए उपकार करना कोई महत्व नहीं रखता, उसका कोई भी महत्व नहीं है। कोई भी महत्व नहीं है, कोई भी लायक जैसे नहीं हो अर्थात नहीं होनी चाहिए हो। अर्थात हमें यह क्या मिला दूसरे के स्वाभिमान का रक्षा करना चाहिए अर्थात दुधारू गाय की दो लातें भी सहन करनी चाहिए साथ साथ उनके स्वाभिमान के साथ। स्वाभिमान का हनन कर उसके साथ उपकार करना कोई महत्व नहीं रखता का स्वाभिमान का ये भी संबंध कारक का चिन्ह है। आगे वाणी की मधुरता के साथ बिना पुण्य व्यवहार शिष्टाचार है। शिष्टाचार वाणी की मधुरता के साथ ये ध्यान देना पूरी तौर पर ये मधुर भाषण का मधुर भाषण से केंद्रित है। शिष्टाचार अर्थात शिष्टाचार क्या है शिष्टाचार शिष्ट आचार शिष्ट आचार आचार अर्थात व्यवहार शिष्ट शांति धीर भाव ये शिष्टाचार है। और शिष्टाचार यह है शिष्ट अर्थात भद्र भद्र आचार अर्थात व्यवहार भद्र व्यवहार
भद्र व्यवहार, शिष्टाचार, भद्र व्यवहार, शिष्टाचार अर्थात अच्छी व्यवहार, अच्छी दूसरों के साथ बातों में, काम में, और कोई भी जो हम एक दूसरे के साथ जो बातचीत भी करते हैं, ये क्या होना चाहिए? भद्र व्यवहार, अच्छी भावनाएं। तो दूसरे के स्वाभिमान का हनन कर उनके साथ उपकार करना कोई महत्व नहीं रखता। वाणी की मधुरता के साथ, वाणी बात, वाणी की मधुरता, वाणी की मधुरता के साथ विनयपूर्ण व्यवहार, विनयपूर्ण अर्थात शिष्टता के साथ, विनयपूर्ण विनय, नम्र शिष्टाचार के साथ, विनयपूर्ण शिष्टाचार पूर्ण या शिष्टाचार के साथ हो, कोई भी बात बोले तो वाणी की मधुरता के साथ। और वही शिष्टता क्या है? मधुर, मधुरता किसमें है? मधुर मधुरता भाववाचक संज्ञा, संज्ञा के बारे में पिछले कक्षाओं में मैं बता दिया हूं। संज्ञा व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह, भाव आदि। तो यहां क्या है? और भी है, भाववाचक, मन की भाव, जैसे मधुर भाव, मधुरता, जैसे और भी है नम्रता, शिष्टता, साधुता, ता लगने के बाद प्रत्यय, ता, और भी पन, ता, ये पन पन लगने से भी भाववाचक हो जाए, जैसे संज्ञा से लड़का, लड़कपन, पा में भी होता है, बुढ़ापा, बूढ़ा से बुढ़ापा, पापन आदि, बर्ड हर्ड में भी होता है, ये बाद में देखेंगे। तो दूसरे के स्वाभिमान का हनन कर उसके साथ उपकार करना कोई महत्व नहीं रखता। वाणी की मधुरता के साथ विनयपूर्ण, विनयपूर्ण व्यवहार अर्थात नम्रतापूर्ण, विनयपूर्ण व्यवहार ही होना चाहिए। कैसे? जैसी बात मधुरता से या मधुर बात बोलनी चाहिए, और भी विनयपूर्ण व्यवहार ही होनी चाहिए। और उन्हीं में ही क्या है? शिष्टाचार है, शिष्टाचार भद्र व्यवहार है जो लोग चाहते हैं। कोई ऐसा लोग नहीं है जो अशिष्ट व्यवहार हो। तो शिष्टाचार का अर्थ लोग दिखावा या तकलुप करते हैं, दिखावा या तकलुप। दिखावा या तकलुप अर्थात वही जैसे शिष्टाचार अर्थात वही भी शिष्टाचार या व्यवहार जो करते हैं हम, अच्छे व्यवहार जो करते हैं वही दिखावे के लिए नहीं होने चाहिए। तकलुप शिष्टाचार करते हैं, लेकिन 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 वास्तव में उसका अर्थ है अर्थात
वही शिष्टाचार का अर्थ लोग जो समझते हैं ऐसा नहीं, शिष्टाचार का अर्थ लोग दिखावा या तकलीफ करते हैं, अर्थात कोई जैसे नकली भाव से शिष्टाचार दिखाते हैं, मन में है कोई भाव और बाहर निकले तो कोई अलग हो जाता है, अर्थात ये क्या हो जाता है, नकली, अर्थात कोई दिखावे के लिए मैंने बात बोलते हैं। परंतु मनुष्यता के साथ या मधुरता के साथ मनुष्य में क्या है, वास्तव में ये सज्जनोचित व्यवहार शिष्टता वही है सज्जनोचित व्यवहार, बिना पुण्य व्यवहार, अर्थात वही शिष्टाचार लोग जो दिखावे में करते हैं लेकिन ये वास्तव क्षेत्र में प्रकृति माने सत्यता के अनुसार वास्तव में उसका अर्थ है सज्जनोचित। ध्यान देना, सज्जनोचित व्यवहार, सज्जनोचित सज्जन उचित, अर्थात सज्जनों के लिए जैसी व्यवहार होनी चाहिए, अच्छे व्यवहार। सज्जनोचित व्यवहार का मतलब क्या है, सज्जन के लिए जो व्यवहार होता है, जो उचित व्यवहार होता है, जो उचित बर्ताव होता है, जो बातें होते हैं, वही सज्जनोचित व्यवहार दूसरों के लिए अच्छे हो। लेकिन वास्तव में उसका अर्थ है सज्जनोचित व्यवहार। मधुर भाषण के साथ इसका भी मूल्य है, मधुर भाषण के साथ ये सज्जनोचित व्यवहार का भी मूल्य है, अर्थात बातों में जब अच्छे नहीं निकलोगे, अच्छे कामों में, अच्छी बातों में अच्छे काम है, मनसा वचसा और कर्मणा, मन में, वचन में और कर्म में, तो तीनों में क्या हो जाएगा, ये उचित व्यवहार हो जाएगा। और वही उचित व्यवहार क्या है, मधुर भाषण, अर्थात मधुर भाषण से ये संबंधित है, मधुर भाषण के साथ उसका भी कोई मूल्य है, मूल्य नहीं है ऐसा कोई नहीं बोला जाता। उनके द्वारा मनुष्य की शिक्षा दीक्षा और कुल की परंपरा और मर्यादा का परिचय मिलता है, और वही सज्जनोचित व्यवहार या मधुर भाषणों में क्या है, मधुर भाषण में मनुष्य की शिक्षा दीक्षा अर्थात कोई भी हो, अच्छे पाठ पढ़े हो शिक्षा दीक्षा के अनुसार, परंतु उनका या उनकी अच्छाई किसमें है, वचन, मधुर वचन, मधुर भाषण में निहित है, अर्थात उनका शिक्षा दीक्षा अच्छा हो तो उनका मैंने इसे पता चलता है कि उनका व्यवहार भी अच्छा हो या अच्छा हुआ हो। तो किसी मनुष्य को शिक्षा दीक्षा और कुल की परंपरा, कुल की परंपरा क्या है, कुल वंश, कुल की परंपरा, कुल की परंपरा क्या है, जिसे वह जिस कुल से हो आए हो, अपनी बाप, बाप से, बाप के बाप, बाप के बाप, तो क्या होगा, इसे पता चलता है उसकी बाप भी अच्छी कुल से जन्म लिया हो, क्योंकि अपने बेटे से पता चलता है, बेटे के व्यवहार से पता चलता है कि वह संस्कारी हो, और वही संस्कार कहाँ से, अपनी कुल से, अपने पिताजी से, और कभी पिता के पिता, पिता के पिता से और कोई आगे से, और ये क्या है, ये कुल की परंपरा के अनुसार।
लेखक कहते हैं गुलाब राय जी वही कि यही सज्जनोचित व्यवहार मधुर भाषण के साथ उनका भी मूल्य है। उनके द्वारा मनुष्यों की शिक्षा दीक्षा और उनके द्वारा अर्थात यही मधुर भाषणों के द्वारा, मधुर बातों के द्वारा, मधुर वचनों के द्वारा क्या होगा, मधुर वचनों के द्वारा मनुष्य की शिक्षा दीक्षा ही अच्छा ही होगा और अच्छा ही होता ही है। अर्थात ये शिक्षा दीक्षा के बाद क्या होगा, कुल की परंपरा भी के अनुसार ही अच्छा ही होगा। कुल की परंपरा और मर्यादा का परिचय मिलता है। मर्यादा अर्थात मर्यादा, कुल की मर्यादा, कुल की सम्मान, सम्मान का परिचय मिलता ही है। जैसे पता चलता है कि ये लड़का या ये लड़की ऐसी बात बोलती है कि ऐसी काम करती है जिससे पता चलता है कि उनका बाप दादे ने ही अच्छे ही होंगे, अच्छे ही हुए होंगे। इसका मतलब क्या है, ये कुल की परंपरा है, अर्थात ये कुल की परंपरा के अनुसार ही वह आगे बढ़े और उनको क्या मिला, मर्यादित रूप। और ये मर्यादित रूप या सम्मान किन में सम्मिलित है, मधुर भाषणों से, अर्थात मन से, वचन से और बाद में कर्म से। मन अच्छा हुआ, वचन अच्छा निकले और वचन के बाद कर्म भी अच्छा किया, काम अच्छा किया तो कुल की परंपरा बढ़ता बढ़ती गई और सम्मान मिला, मर्यादित रूप मिला। नहीं नहीं क्या बोलेंगे बाद में, नहीं यह एक अच्छा लड़का है या यह अच्छी लड़की है जो उनका पिताजी या उनका माताजी, उनके बाप दादे ने अच्छे ही हुए, अच्छे थे ही और बाद में भी यह लड़का ये अच्छा निकला या ये अच्छे ये बाद में भी ये अच्छी ये लड़की अच्छी निकली है। ये कुल की परंपरा के अनुसार मधुर भाषण से सम्मिलित है। मधुर भाषण ये सारे सम्मान से या कुल की परंपरा से मर्यादित रूप से संबंधित है। उनके द्वारा मनुष्य को शिक्षा दीक्षा और कुल की परंपरा और मर्यादा का परिचय मिलता ही है। वही मधुर भाषण के द्वारा ही उनको अपना परिचय देना, मैंने देना आसान हो जाता है कि वह लड़का कैसा ही था, उनका बाप दादे कैसे थे। सचमुच ही ये मर्यादित रूप ही किसमें, मधुर भाषण से सन्निहित है, लगे हुए। किसी काम को कराने के लिए कृपया शब्द का प्रयोग, कृपया ध्यान देना, कोई भी काम कराते हैं हम दिन प्रतिदिन किसी किन्नी किन्नी को, तो क्या होता है, हम कोई कभी किसी को बुरे बातें बोल देते भी हैं, परंतु किसी काम को कराने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये मधुर भाषण से संबंधित है कि किसी काम को कराने के लिए कृपया शब्द का प्रयोग कराने के लिए कृपया शब्दों का प्रयोग, इसका मतलब क्या है, कृपया हम बोलेंगे कि किसी को कृपया आओ आज हम बर्गर जाएंगे और बर्गर जाने के बाद हम वही काम कर सकेंगे, इसका मतलब क्या है, कृपया कृपया ये सारे किताबें वहाँ से यहाँ ले आओ, ये क्या है, अनुरोध, एक दूसरे से मैंने ये भाव, ये आंतरिक भाव के साथ, ये हार्दिक भाव के साथ हम कहते हैं। और उन्हीं भावों से क्या होता है, किसी काम को कराने के लिए कृपा शब्द का प्रयोग शिष्टता का परिचायक होता है। शिष्टता अर्थात शिष्टता, भद्र शिष्टता लिखा हुआ था, फिर एक बार भद्र शिष्टता, भद्रता
भद्रता, अर्थात किसी काम को कराने के लिए कृपया शब्द का प्रयोग शिष्टता का परिचायक। अर्थात जब हम कृपया शब्द प्रयोग किए तो इसे पता चलेगा कि क्या हुआ, ये शिष्टता का परिचायक। अर्थात कृपया शब्द प्रयोग करने से दूसरे क्या बोलेंगे, नहीं नहीं उसके पास क्या है, ये शिष्ट व्यवहार है, इसके पास ये भद्र व्यवहार है, अर्थात ये शुरू हो जाएगा तुम्हारा बर्ताव अच्छा या अच्छा बर्ताव। तो प्रयोग शिष्टता का परिचायक होता है। काम हो जाने के पश्चात पहले से क्या हुआ, काम शुरू करने से कृपया शब्द का प्रयोग किया और अंत में हम क्या किए, काम हो जाने के पश्चात या बाद में धन्यवाद कहना भी जरूरी है। पहले से कृपया बोला और अंत में धन्यवाद, अर्थात धन्यवाद, यही काम तुम अच्छी तरह शुरू किए थे और अभी भी खत्म किए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बधाई आदि, ये सब क्या है, ये धन्यवाद कर। अर्थात काम शुरू होने से कृपया शब्द का प्रयोग और अंत होने से या खत्म होने से धन्यवाद शब्द का प्रयोग, ये भद्रता या शिष्टता का परिचायक है, परिचायक होता है। काम हो जाने के पश्चात या बाद में धन्यवाद कहना भी जरूरी है। पहले से कृपया यह काम कर लीजिए, अंत में धन्यवाद, यह काम अच्छी तरह खत्म किए, कृपया और धन्यवाद। जो अपने से नीचे हैं और भी किसमें है, मधुर भाषण किससे संबंधित है, जो अपने से नीचे हैं, ध्यान दो, जो अपने से नीचे हैं उनसे कोई ऐसी बात न कही जाए कि जिससे यह प्रकट हो कि हम उनको नीचा समझते हैं। अर्थात जो अपने से नीचे हैं, जो अपने से नीचे हैं, नीचे का मतलब क्या है, नीचे और ऊपर, ऐसा ऊपर नीचे नहीं है, अर्थात आर्थिक तौर पर सामाजिक तौर पर जो जिसके पास जैसे रहन सहन चलन में कमी हो, थोड़ा जीवन शैली में जिसके पास ज़्यादा ज़्यादा आते पैसा रुपए नहीं है, अर्थात उनको हम आमतौर पर क्या समझते हैं, अपने से नीचे समझते हैं या वही नीचे आदमी। तो लेखक क्या कहते हैं कि अपने से नीचे हैं उनसे कोई ऐसी बात ना कही जाए, जो नीचे हैं नीचा समझकर हम उसे ऐसी बात ना कही जाए, अर्थात नहीं कहना चाहिए कि जिससे यह प्रकट हो कि, अर्थात ऐसी बात ना कही जाए, अर्थात ऐसा बात कहे अर्थात जिसका दिल दुखाए, कि प्रकट हो कि मन हम उनको नीचा समझते हैं, वो भले ही आर्थिक तौर पर भले ही सामाजिक तौर पर थोड़ा नीचा ही हो, उनका जीवन शैली उनका पहनावे में उनका खाने पीने में कोई भी ढंग में वो थोड़ा नीचा ही हो, फिर भी उनके दिल पर घात या दिल पर चोट आने नहीं देनी चाहिए, जैसे उनको नीचा समझते हैं ऐसी बातें उन्हें हमें नहीं बोलनी चाहिए। और जब हम नहीं बोलेंगे ये क्या होगा, हमारे अंदर शिष्टता का पैदा हो जाएगा, मधुरता का पैदा हो जाएगा और उन्हीं से हमारा भाषण मधुर भाषण हो जाएगा। और हम उनको नीचा समझते हैं, अपने से कम स्थिति के लोगों के स्वाभिमान, अपने से कम स्थिति वही आर्थिक क्षेत्र में कम स्थिति, रहन सहन में कम स्थिति, खाने पीने में कम, आर्थिक स्थिति में कम, और कम स्थिति के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा सज्जन का पहला कर्तव्य है। स्वाभिमान अर्थात स्वाभिमान का रक्षा
अपने से कम स्थिति के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन का पहला कर्तव्य है। अर्थात स्वाभिमान, इसको थोड़ा ध्यान देना, अपने से कम स्थिति के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना, कम स्थिति के लोगों के स्वाभिमान का रक्षा करना अर्थात उचित व्यवहार स्व अभिमान निजीपन उसके अंदर जो मनुष्यता का भाव हो, एक मनुष्यता हो, वही मनुष्यता की रक्षा करना चाहिए। मैं भी एक मनुष्य हूँ, वही भी एक मनुष्य हो, भले ही वो आर्थिक तौर पर उनके पास काम है, उनका स्थिति थोड़ा नीचे हो, काम स्थिति के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन का पहला कर्तव्य है। और वही कर्तव्य स्वाभिमान की रक्षा उचित व्यवहार, भले ही वो आर्थिक तौर पर नीचे हो, मैं उसको ऐसा नहीं बोलनी चाहिए उसको, क्योंकि उनके ये भी एक मनुष्य है, मैं भी एक मनुष्य हूँ, ये भाव जब प्रकट आ जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, मधुर भाषण शुरू हो जाएगा, अर्थ का उसके बाद मधुर और मर्यादा का परिचय मिलने के साथ साथ उनका प्रभाव भी समाज में रहेगा ही। अपने से काम स्थिति के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन का पहला कर्तव्य है, ये सज्जन कहलाएगा। अर्थात वह सज्जन, उन्हीं में उनका गुण ही प्रकट होगा, क्योंकि भले ही उनके पास ज़्यादा ज़्यादातें हो, धन दौलत हो, फिर भी अपने से नीचे या आर्थिक तौर पर नीचे जो हैं उनके पास उचित व्यवहार की हो, और उचित व्यवहार वही उचित व्यवहार मधुर भाषण से ही संबंधित है। जो काम करना है उसको प्रसन्नता से करना चाहिए। कोई भी काम करते हैं मनुष्य हम करते हैं, अच्छी तरह से काम करते हैं और खुशी से करना चाहिए उनको, उसको प्रसन्नता से करना चाहिए, और उसके संबंध में कोई ऐसी शब्द भी ना कहते कहना चाहिए, और उसके संबंध में जो काम करना है उसको प्रसन्नता से करना चाहिए। अर्थात हमें जो कुछ भी काम करना है खुशी से करना है, प्रसन्नता खुशी से भाववाचक संज्ञा करना चाहिए, और उसके संबंध में कोई ऐसे शब्द भी न करना चाहिए या न कहना चाहिए उसके संबंध में। खुशी से जो बात करते हैं, खुशी से जो काम करते हैं, वही बात खुशी से ही होगा। अर्थात न कहना चाहिए जिनसे प्रकट हो कि यह काम ना खुशी से किया जा रहा है। काम करते ही हो खुशी के साथ करना चाहिए, परंतु जब कोई भी काम अंदर से खुशी ना हो फिर भी खुशी से काम करने की मैंने प्रचेष्टा या प्रयत्न कर रहे हो, क्या हो जाएगा, इसमें दिखावे हो जाएगा, और जिससे प्रकट हो जाएगा कि यह काम ना खुशी से किया जा रहा है। अर्थात ऐसा नहीं होनी चाहिए, अर्थात प्रसन्नता से काम तो करना ही चाहिए, ऐसे प्रकट नहीं होने चाहिए कि ये यह काम ना खुशी से ही कर रहा है या हो रहा है, या उस काम के करने से दूसरे के साथ एहसान किया जा रहा है। एहसान अर्थात दूसरे की एहसान कृतज्ञता, अर्थात दूसरों को क्या उपकार, कृतज्ञता उपकार, अर्थात कोई भी काम जो किए हो और दूसरे के बदले जो किया जाता है उन्हीं के लिए, उन्हीं उपकार के लिए मैं भी जैसे करता हूँ, ये क्या हो जाएगा, ये बनावटी हो जाएगा। या उस काम के करने से दूसरे के साथ एहसान किया जा रहा है और ये काम ना खुशी से हो, और जब भी खुशी से हो यह एहसान या उपकार के लिए हो, ऐसा नहीं होने चाहिए। अर्थात दूसरे के बदले में कोई भी काम नहीं, अर्थात ये आंतरिक तौर पर अंदर से ही खुशी होनी चाहिए, काम में भी खुशी होनी चाहिए, भले ही वो क्या वो सामाजिक तौर पर, राजनीतिक या अर्थनैतिक तौर पर या नीची हो,
छोटी हो। कम से कम जहां क्रिया में उदारता हो, क्रिया क्रिया कम से कम जहां क्रिया में उदारता हो वहां वचन दरिद्रता न आने देनी चाहिए। क्रिया में उदारता, तो वचनों में दरिद्रता, क्रिया में उदारता होनी चाहिए, वचनों में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। अर्थात बातों बातों में मैं ये बोला करता हूं कि कथनी वचन खाण से, अर्थात मधुर वचन बोलने चाहिए दूसरों से, दूसरों को दिल जीतना चाहिए। अर्थात क्रिया में उदारता होनी चाहिए, वचन में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। अर्थात वचन का दरिद्रता, मनसा वचसा कर्मणा, या काम में वचन में और इस सारे क्षेत्र में समानता सामंजस्यता के साथ कोई भी बात बोलनी चाहिए। आगे यदि इनकार ही करना पड़े तो, यदि इनकार ही करना पड़े तो मना, यदि इनकार ही करना पड़े तो इनकार ही करना पड़े ही ये बाध्यता, जैसे भी बाध्य जरूर इनकार ही करना पड़े, अर्थात मना करना पड़ता ही है कभी, तो जो काम करना है यदि इनकार ही करना पड़े तो उसमें अधिकार और अभिमान की गंध न आनी चाहिए। देखो यहां क्या है, अधिकार और अभिमान, अधिकार अभिमान, दो शब्द, अधिकार जैसे कि नीति नियम से संबंधित, और अभिमान क्या है, घमंड गर्व। तो इनकार ही करना पड़े तो उसमें अधिकार और अभिमान की गंध न आनी चाहिए। मना करना है मधुरता के साथ, नम्रता के साथ, विनय भाव के साथ। इनकार करना पड़े तो उनमें अधिकार और अभिमान की गंध, इसमें मना करने में कोई भी गर्व लेकर, कोई भी अभिमान लेकर, अपने अंदर कोई बड़प्पन लेते हुए मना नहीं करनी चाहिए। इसमें कोई बहादुरी नहीं है, इसमें कोई बाबा नहीं है जिसमें अभिमान के साथ इनकार किया जाए। अर्थात इसमें तुम्हारा कोई अधिकार भी नहीं है, मेरा अधिकार है ये बोलकर ही कोई भी मना नहीं कर सकते। लेखक कहते हैं यदि इनकार ही करना पड़े तो उसमें अधिकार और अभिमान की गंध न आने दीजिए। हम जानते हैं व्यवहार न, नहीं और मत आर्थिक तौर पर समान है परंतु व्यवहार में अलग अलग है। व्याकरण में पढ़ेंगे बाद में न, नहीं, मत का प्रयोग। यह क्या है,
इनकार जरूरी है कि अधिकार और अभिमान की गंध न आनी चाहिए, न आनी चाहिए आदेश के अर्थ में, अर्थात न आनी चाहिए अनुमति। इनकार मजबूरी के ही कारण होना चाहिए, मजबूरी इनकार मजबूरी के ही कारण। इनकार मजबूरी के कारण ही होनी चाहिए, अर्थात मजबूरी कोई भी काम नहीं करने से नहीं होगा, नीति नियम और किसी वजह से बाध्यता बाध्यतामूलक। तो इनकार मजबूरी के ही कारण होना चाहिए, होना चाहिए, चाहे वह सैद्धांतिक मजबूरी, सैद्धांतिक मजबूरी, चाहे वह सैद्धांतिक सैद्धांतिक चाहे वह सैद्धांतिक मजबूरी सही दौदा देखो, ये सैद्धांतिक मजबूरी और सैद्धांतिक का मतलब तत्व भित्तिक या तात्विक, तत्व को लेते हुए तात्विक, अर्थात सैद्धांतिक मजबूरी अर्थात ये मना करना तात्विक भित्तिक हो या तात्विक मजबूरी हो या आर्थिक इनकार, आर्थिक इनकार रुपए पैसे में होना चाहिए। इनकार मजबूरी के ही कारण होना चाहिए, चाहे वो सैद्धांतिक मजबूरी हो या आर्थिक इनकार शिष्टता के साथ भी हो सकता है, अर्थात सैद्धांतिक मजबूरी हो या आर्थिक मजबूरी हो, जिसमें भी इनकार शिष्टता के साथ भी हो सकता है और अशिष्टता के साथ भी, अर्थात कोई भी मना शिष्टता के साथ भी किया जा सकता है और कोई भी इनकार करना या मना करना अशिष्टता के साथ भी किया जा सकता है, जो सैद्धांतिक तौर पर हो सकता है और जो सैद्धांतिक के साथ साथ आर्थिक तौर पर भी मना किया जा सकता है, और इन्हीं इनकारों का वजह दोनों दृष्टि से बाध्यतामूलक मजबूरी होते हुए भी हम मना कर सकते हैं, शिष्टता के साथ भी हो सकता है और अशिष्टता के साथ भी हो सकता है, दोनों को मना करना। प्रायः लोग अशिष्टता, विलोम शब्द शिष्टता अशिष्टता, शिष्टता विलोम शब्द में अशिष्टता, विपरीत शब्द शिष्टता, साधु अच्छे भाव सज्जनोचित व्यवहार, तो लोग शिष्टता या भद्र व्यवहार, भद्र शिष्टता भद्र व्यवहार और अशिष्टता अभद्र व्यवहार, अभद्र अर्थात जिसका व्यवहार अच्छा ही नहीं हो, तो आगे क्या है देखो, इनकार मजबूरी के कारण ही होना ही है, फिर भी इनकार शिष्टता के साथ ही हो सकता है और अशिष्टता के साथ भी हो सकता है। प्रायः लोग अशिष्टता के साथ यह कह देते हैं, गुस्से में भी क्या कह देते हैं कि ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, हैं, और कर लेते हैं गुस्से में और बाद में पछताते हैं,
जैसे प्रायः लोग अशिष्टता या अभद्र के साथ यह कह देते हैं, क्या कह देते हैं, जाओ अमुक वस्तु यहाँ कहाँ से आई, गुस्से में, ये क्या है, गुस्सा होने तो अशिष्ट आ गया या अशिष्टता हो गया, तो अमुक वस्तु यहाँ कहाँ से आई, तुम्हारा कोई देना आता है, तुम्हारा कोई देना आता है, इसका मतलब क्या है, गुस्सा, जैसे दूसरे कोई गाली देता हो, दूसरे कोई माने कोई रूखेपन से बात करता ही हो, इसका मतलब क्या है, अशिष्टता, मधुर वचन कहाँ से आया, नहीं, अर्थात अमुक वस्तु यहाँ कहाँ से आई, तुम्हारा कोई देना आता है, तुम्हें कोई देना आता ही है, तुम यह काम सही तरह से कर सकते हो, घर वालों को तो जुड़ता नहीं, घर वालों को जुड़ता ही नहीं, अर्थात घर वालों को पता ही नहीं है, और तुम्हारे लिए कहाँ से लाए, और तुम्हारे लिए वह कहाँ से लाए, इनकार करने में जो बातें कही जाए, मना करने में जो बातें रातें अर्थात मना करने में जो दो टुक बातें कही जाए, उनमें परायपन का भाव न आने देने चाहिए, परायपन, परायपन या परायपन, परायपन पापन, परायपन अपनापन, विलोम शब्द, पराये दूसरा आदमी, जैसे अपना निजीपन जिसमें निजता आत्मीयता हो, तो बालों को या घर वालों को तो जुड़ता ही नहीं, तुम्हारा या तुम्हारे लिए कहाँ से लाए, इनकार करने में जो बातें कही जाएं, जो बातें कही जाएं, बहुवचन में बात बातें कही जाएं, उनमें परायपन का भाव न आने देने चाहिए, मना करते ही हो, भले ही हो आर्थिक तौर पर सामाजिक तौर पर नीचे हो, परंतु क्या करनी चाहिए, उनमें उन्हीं भावों में इनकार करने में परायपन का भाव लवलेस भी नहीं रहने चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं रहने चाहिए, थोड़ी सी, तो इनकार करते समय और क्या करना चाहिए, परायपन का भाव न आने देने चाहिए, और इनकार करते समय खेद प्रकट करना, खेद प्रकट करना, मना किया करने में अपने आप को बाध्यता के साथ करना पड़ा मजबूरी से, तो क्या होगा, तुम्हें क्या बोलना चाहिए, भद्र व्यवहार के साथ भाई या बहन या कोई भी जो रिश्तेदार से तुम बातचीत कर रहे हो, उन्हें तुम्हें क्या बोलना चाहिए, भाई मैं वही बात तुम्हें बोल दिया या बोल दी, परंतु हमें खेद है कि ये बात मुझे बोलना पड़ा, ये बात मुझे कहना पड़ा, ये काम मुझे करना पड़ा, हमें खेद है, ये बोलने चाहिए, कि इनकार करते समय खेद प्रकट करना शिष्टाचार की मांग है, और यह खेद प्रकट करना, ये कौन खेद प्रकट करेगा, शिष्टता है या भद्र आदमी जिसके पास भद्रता है, जिसके पास शिष्टता है, और वही शिष्टता मधुर भाषण से संबंधित है, अर्थात बात अच्छे ही नहीं लगे फिर भी जब खेद प्रकट कर दिए तो क्या हुआ, मन में ये इंसानीपन जो मनुष्यता का भाव प्रकट हो गया, भाई हमें खेद है मुझे ये बात बोलना पड़ा या मुझे ये काम करना पड़ा, शिष्टाचार की मांग है, कहना चाहिए कि मुझे बड़ा खेद है कि आपके लिए इनकार करना पड़ता है, मुझे खेद है कि आपके लिए मुझे ये काम करना पड़ा या मुझे मना करना पड़ता है तुम्हें, हमें खेद है, आपने यहाँ आने का या मांगने का कष्ट किया, आपने यहाँ आने का या मांगने का कष्ट किया, आया या मांगा, और मैं इस विषय में आपकी सेवा ना कर सका, आप कोई मदद के लिए यहाँ आया या आई, फिर भी मैं तुम्हारा या तुम्हारी मदद नहीं की या नहीं कर पाया, हमें खेद है, और भी क्या, किस लिए खेद है, कि कुछ
आकर जो कुछ भी मांगा, कुछ मांगने के लिए जो तुम आए। और इसी में भी हमारा खेद है कि मैं तुम्हें ये जो यह मनचाहा चीज, तुम्हारे मनचाहा चीज, तुम्हारे मनचाहे बात, तुम्हारे साथ बात नहीं कर पाए, या तुम्हें तुम्हारे मनचाहे चीज या चीज तुम्हें दे नहीं पाया। अर्थात हमें क्या है, खेद है। कहना चाहिए कि मुझे बड़ा खेद है कि आपके लिए इनकार करना पड़ता है। अपने यहाँ आने का या मांगने का कष्ट किया और मैं इस विषय में आपकी सेवा ना कर सका, अर्थात मैं तुम्हारा सेवा नहीं कर सका, इसीलिए मुझे खेद है, माफ़ कर देना, इसी बात बोलनी चाहिए। वार्तालाप में हमको व्यापारिक या जाप्ते की बातचीत, वार्तालाप में हमको को हमें हमको हमको हमें तुमको तुम्हें तो वार्तालाप में हमको हम तुम हमको तुमको, मैं पहले बता दिया था ये सर्वनाम के साथ कारक का जो चिन्ह है लगे रहते हैं और संज्ञा के साथ अलग होता ही है, हमको हमें तुमको तुम्हें आदि। तो वार्तालाप में हमको व्यापारिक या जाप्ते वार्तालाप में हमको व्यापारिक या जाप्ते की बातचीत, नियम कायदा कानून, जाप्ते का मतलब क्या है, नियम में कायदा कानून आदि। दो, जाप्ते की बातचीत अर्थात जो बातचीत वार्तालाप करते हैं जिसमें कोई नियम कानून के साथ होता ही है वही बातचीत। तो व्यापारिक या जाप्ते की बातचीत व्यापारिक, व्यापार संबंधी, व्यापारिक दो पैसे लाभ हो या हानि, व्यापारिक बातचीत व्यापार के क्षेत्र में जो किया जाता है, बातचीत में हम कुछ लेन में व्यवसाय करने में या व्यापार करने में जो जो हम एक दूसरे से बात भी करते हैं, ये व्यापारिक, ये व्यापारिक बातचीत। तो वार्तालाप में हमको हमें व्यापारिक या जाप्ते की बातचीत अर्थात नियम कानून के साथ जो बातचीत किया जाता है वही बातचीत। और निजी बातचीत में, निजी बातचीत क्या है, निजी बातचीत ये व्यापारिक बातचीत और निजी बातचीत, ध्यान दो, निजी अर्थात निजता, निजपन, अपनापन जिसमें है और निज के लिए बातचीत और निजी बातचीत में थोड़ा अंतर करना होगा। किसमें, वार्तालाप में, बातचीत करने में, व्यापारिक बातचीत में एक दूसरे से दो टुक माने बात जो बोलेंगे उसमें कोई लाभ हो या हानि हो उनको देखना ही पड़ता है इसको, परंतु निजी बातचीत में थोड़ा अलग होनी चाहिए, भले ही वो व्यापारिक बातचीत या व्यापार को लेते हुए व्यापारिक बातचीत भी अशिष्ट न होनी चाहिए, जिसमें हमें वही व्यापारिक बातचीत अशिष्ट, भले उसमें कुछ हमें लाभ मिलता ही हो या हानि मिलता ही हो या हानि होता ही हो, परंतु उन्हीं में हमें अशिष्टता से कोई भी बात नहीं करनी चाहिए, अर्थात शिष्टाचार को लेते हुए हम एक दूसरे से बात करेंगे ही। लेखक के अनुसार व्यापारिक बातचीत भी अशिष्ट न होनी चाहिए, किंतु वह नपितुली, नपितुली
यह नपितुली होनी चाहिए, अर्थात वही बातचीत, वही बर्ताव देखकर ही कहाँ कैसा या किस तरह की भाषाएं, किस तरह की बोली, किस तरह की बातें प्रयोग किया जाए, वही को लेकर अर्थात ठीक नपितुली, ठीक नाप या माप करना। नपितुली अर्थात किसको किस तरह की बातें बोली जाए, किसको या किनको किस तरह की बातें बोली जाए, वही देखकर ही बोल। तो व्यापारिक बातचीत भी अशिष्ट नहीं होनी चाहिए, ये व्यापारिक बातचीत या निजी बातचीत। व्यापारिक बातचीत क्या है, दो जो आर्थिक तौर पर व्यवसाय के लिए कुछ देना ही है, कुछ लाना ही है, कुछ लाभ के लिए कोई भी जो काम किया जाता है वही व्यापारिक। परंतु निजी बातचीत वही है जो भले ही उसमें व्यापार किया या हो, व्यापार किया हो या व्यापार के लिए हो, परंतु उसमें कोई अपनापन ही रहता ही है निजी बातचीत में। अर्थात ये क्या है, उसमें अंतर या भेद थोड़ा अलग होना चाहिए। व्यापारिक बातचीत भी अशिष्ट ना होनी चाहिए, भले ही वो अंतर हो, परंतु अशिष्ट बातें नहीं बोलनी चाहिए। किंतु वह नपितुली ही हो सकती है, परंतु नपितुली अर्थात ठीक नाप करते हुए किसी तरह की बातें किसको बोला जाए ये देखकर ही बोलनी चाहिए। निजी संबंध की बातचीत में आत्मीयता का अभाव न रहना चाहिए। जैसे कि ये निजी संबंध की बातचीत आत्मीयता का कमी नहीं होनी चाहिए। निजी संबंध की बातचीत में आत्मीयता का अभाव, निजी संबंध की बातचीत में आत्मीयता का अभाव आत्मीयता का अभाव न रहना चाहिए। अर्थात जिसके पास हम बातचीत करते हैं, जो हमारा अपना आदमी समझते हैं, कोई पड़ोसन हो, कोई घरेलू आदमी हो, कोई भैया हो और कोई रिश्तेदार, इसी तरह के लोगों के साथ जब हम बातचीत कर रहे हैं उनमें क्या ही रहता है, आत्मीयता रहता है। और परंतु दूसरे जो है उसे हम कोई लाभ लेते हैं, व्यवसाय या वाणिज्य करते हैं, उनमें क्या है, थोड़ा अंतर होता ही है, आत्मीयता नहीं रहता। अर्थात ये क्या है, ये व्यापारिक रूप हो जाता है। और व्यापारिक और निजी बातचीत में अलग होनी चाहिए। निजी बातचीत में आत्मीयता का क्या, आत्मीयता का अभाव न होनी चाहिए, न रहना चाहिए। और थोड़ा सा कष्ट उठाकर अर्थात थोड़ा सा प्रयत्न करते हुए उठाकर बात को पूरी तौर से समझा देना अपना कर्तव्य हो जाता है। अर्थात भले ही उन्हीं में निजी बातचीत में और व्यापारिक बातचीत में अंतर हो, उन्हीं में समझदारी के साथ बातें करनी चाहिए। अर्थात आत्मीयता का अभाव निजी बातचीत में नहीं रहनी चाहिए। और थोड़ा सा कष्ट उठाकर पूरी तौर पर बात को दूसरों को समझा देना चाहिए कि अपना कर्तव्य के साथ तुम जैसे वही काम किए हो। कुछ लोग सबके साथ निजी संबंध का सा ही वार्तालाप करते हैं। कुछ लोग, यहां देखो, सब लोग सबके साथ कुछ लोग सबके साथ का मतलब क्या है, सबके साथ निजी या जिस मैंने निजीपन के साथ या आत्मीयता जिसके पास है उनके पास, और व्यापारिक तौर पर जो लोग हैं उनके पास भी ये बातचीत करते हैं। अर्थात सबके पास, सबके साथ कुछ लोग क्या करते हैं, निजी संबंध का सा, ये निजी संबंध का सा, का सा
निजी संबंध कासा, निजी संबंध कासा, अर्थात कुछ लोग क्या करते हैं, निजी संबंध कासा, कासा निजी संबंध का जैसा, निजी संबंध, संबंध का जैसा कासा, संबंध का जैसा कासा, निजी संबंध का जैसा सबके साथ। अर्थात कोई लोग क्या करते हैं, कोई व्यापारिक आदमियों के साथ या निजी पन के लोगों के साथ क्या करते हैं, ये निजी सबके साथ निजी संबंध के जैसा, अर्थात वे आत्मीयता के साथ बातचीत करते हैं या सबके साथ निजी संबंध का साथ, अर्थात निजी संबंध जैसा उसी तरह की बात, उसी तरह के व्यवहार, उसी तरह के बर्ताव लेकर बातचीत करते ही हैं। परंतु ये गलती नहीं है, भले ही वो वाणिज्यिक तौर पर, ये व्यावसायिक तौर पर, ये व्यापारिक तौर पर ये आदमी अलग ही हो, परंतु बात बोलने में निजीपन होनी चाहिए। और निजीपन से बात करने से कोई बुराई नहीं है, निजीपन से व्यापारिक ढंग में भी निजीपन से बात करते हुए इनमें कोई बुराई नहीं होता, अर्थात निजीपन में बातचीत करने से ही अच्छाई होता है। तो थोड़ा सा कष्ट उठाकर बात को पूरी तौर से समझा देना अपना कर्तव्य हो जाता है। कुछ लोग सबके साथ निजी संबंध का सा ही वार्तालाप करते हैं, का सा दूसरे रूप में किसी, की जैसी, की जैसी, उसकी जैसी, उसकी जैसी लड़की, उसकी जैसी लड़की, अर्थात की जैसी स्त्रीलिंग में, ये जैसा पुल्लिंग में। तो यहाँ देखो निजी संबंध कासा पुल्लिंग में, सबके साथ निजी संबंध कासा ही वार्तालाप करते हैं, वार्तालाप करते हैं बहुवचन में हैं, तो वार्तालाप करते हैं, यह भी बुरा नहीं है। मैंने बोल दिया कि दूसरों के साथ भी आत्मीयता न होने पर भी क्या होगा, उसी तरह की बातचीत, निजी संबंध की बातचीत बोलनी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं। कुछ लोग सबके साथ निजी संबंध कैसा ही वार्तालाप करते हैं, यह भी बुरा नहीं है, किंतु बात उतनी ही कही जाए जितनी निभाई जा सके, अर्थात निभाई जा सके, निभाई या निभाना, निभाई निभाना, निर्वाह करना, अच्छे ढंग से समाप्त करना, अर्थात जो होना चाहिए यह अच्छी तरह से काम करते हैं। कुछ लोग सबके साथ निजी संबंध का सा ही वार्तालाप करते हैं, यह भी बुरा नहीं है, किंतु बात उतनी ही कही जाए जितनी निभाई जा सके, अर्थात बात उतनी कहें जैसे उन्हीं के अनुसार ही समाप्त या खत्म कर सकते हो, अर्थात वही काम को तुम अच्छी तरह से कर सकते हो और दूसरे भी समझ सकते हैं। अर्थात ये मधुर भाषा ऐसी बात बोली जाए जो दूसरों के दिल में दुख न आए। तो बच्चे अभी ये तुम्हारा ये मधुर भाषा खत्म हुआ, और इससे पहले देखो तुम्हारे अभ्यास के लिए दूंगा ही असाइनमेंट, परंतु मैं जानता हूँ कई सारे छात्र असाइनमेंट भेजते हैं, फिर भी बहुत सारे छात्र छात्राएं अभ्यास कार्य को
घर पर ही लिखकर नहीं भेजते हैं। क्यों? संख्या में बहुत कम है, इसीलिए मैं तुम्हें बार बार ये बोला करता हूँ कि असाइनमेंट जरूर भेजो, नहीं तो बाद में पछताओगे। असाइनमेंट करना, घर पर अभ्यास करना ही जरूरी है। तो अभी हम जो पढ़ चुके हैं वार्तालाप में, अभ्यास वार्तालाप में व्यापारिक बातचीत वार्तालाप में व्यापारिक बातचीत और निजी बातचीत वार्तालाप में व्यापारिक बातचीत और निजी बातचीत बातचीत और निजी बातचीत और निजी बातचीत में क्या अंतर है? इसको दो तीन वाक्यों में लिखना। दो तीन वाक्य में लिखो, दूसरे में प्रत्यय लगाकर ता, प्रत्यय के बारे में बोला, ता प्रत्यय लगाकर एक एक वाक्य बनाओ। सामाजिक मनुष्य अशिष्ट अशिष्ट प्रसन्न और मलिनता मलिन मलिन दीर्घ ही होगा। अशिष्ट मलिन तो ये रहा ता प्रत्यय लगाकर एक एक वाक्य बनाओ। सामाजिक में ता लगाना, मनुष्य में, अशिष्ट में, प्रसन्न और मलिन। ता लगाते हुए उन्हीं शब्दों के साथ, मूल शब्दों में नहीं, ता लगने के बाद इन शब्दों में वाक्य बनाना ही है। और पूरी जानकारी के साथ शब्दार्थ को लेते हुए अच्छे अच्छी तरह पढ़ना है और सब अभ्यास कार्य को भेजना ही है। तो और हम आगे ये पाठ
मधुर भाषण खत्म हुआ, आगे जो कुछ भी पढ़ेंगे देखेंगे ही अच्छी तरह याद करेंगे, कक्षा में जो कुछ भी दिया जाता है अच्छी तरह से लिखना ही है, पढ़ना ही है और असाइनमेंट को भेजना भी है। आज के पाठ इतना ही है। वंदे मातरम।